दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रायान। आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा यूनिक रोबोट की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। इस रोबोट को हम लोग प्रोग्रामिंग वगैरह भी करके इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसका नाम है डायनोस्टॉर्म ट्राइसेराटॉप्स। का साइज जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आज मैं इस डायनोस्टॉर्म की फाइट कराने वाला हूँ शैडो ब्रोंटासॉरस के साथ। ये भी जो है एक डायनासोर बन सकता है और रोबोट में कन्वर्ट भी हो सकता है। ये भी जो है एक डायनासोर बन सकता है और एक रोबोट में भी कन्वर्ट हो सकता है। चलो गाइस, पहले इसको करते हैं अनबॉक्स। लेट्स स्टार्ट। इसका हेड देखो यार, कितना ज्यादा गुस्सेल लग रहा है। आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने बाय लिंक दे रखा है, वहां से भी जाकर आप चाहे तो इस डायनोस्टॉर्म को खरीद सकते हो। फटाफट से बॉक्स को यहां से मैं ओपन कर लेता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। ये देखो यार, मैंने इसको निकाल लिया है। पैकिंग इसकी सच में बहुत अच्छी कर रखी है इन लोगों ने। यहाँ पर है इसका यूजर गाइड, ये भी देखो यार गोल्डन एंड व्हाइट कलर में दे रखा है। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर। इसके अंदर बटन्स तो बहुत सारे मिल जाते हैं और उतने ही ज्यादा प्रोग्रामिंग फीचर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो डायनासोर के पंजे भी दे रखे हैं यार इन लोगों ने, ताकि हम लोगों को यहाँ पे ग्रिप काफी अच्छे तरीके से मिल सके। पीछे की तरफ दो डबल ए बैटरीज डालनी पड़ती है। तो यहाँ पर है इसकी बैटरी। बैटरी यार इन लोगों ने घटिया दे रखी है, 4.8 वोल्ट 500 एमएच की बैटरी दी है। और बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर इस तरह का चार्जर भी मिल जाता है। अभी निकालते हैं हमारे डायनोस्टॉर्म को यहाँ से। ओ भाई, सच में यार काफी ज्यादा भारी भरकम है। सामने से लुक देखो यार, क्या ही डेंजरस है भाई साहब। ये ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा कांटेदार इस तरह का डिजाइन दे रखा है इन लोगों ने। और इसके अंदर हर एक के अंदर अलग अलग लाइट्स वगैरह भी दे रखी है। इसके साथ और क्या क्या चीजें मिली है ये दिखा देता हूँ। इसके साथ मिलते हैं इस तरह के रॉकेट्स हम लोगों को। ये जो रॉकेट्स है ये पूरी तरीके से फायर भी कर सकता है। सामने के सींग्स देखो यार, कितने ज्यादा शार्प है और ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल दे रखे हैं। यहाँ पे इसके आईज है, सामने एक और सींग मिल जाता है राइनोसोरस की तरह। और इसका ये जो माउथ है थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, उतना भी नहीं है। इसके लेग्स देखो यार, कितने ज्यादा मस्कुलर बनाए हैं इन लोगों ने, बहुत ज्यादा बड़े बड़े लेग्स है। पीछे के सामने के लेग्स थोड़े से छोटे हैं। नीचे की तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दो व्हील्स मिल जाते हैं, यहाँ पर दो व्हील्स मिल जाते हैं। और ये पूरी तरीके से रबर के व्हील्स दे रखे हैं और ये पूरी तरीके से कन्वर्ट होकर एक रोबोट भी बन जाता है गाइस। हमको जो इसके साथ रॉकेट्स मिले थे वो रॉकेट्स हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये शूट वगैरह भी कर सकता है। नीचे यहाँ पर इसका एक स्पीकर दिया हुआ है। इसकी जो पूंछ है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी दी गई है। तो चलो दोस्तों, अभी अपने दूसरे डायनासोर को अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस, ये आ गया अपना शैडो ब्रोंटासॉरस। इसका भी जो प्राइस है बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो यार, इसको मैंने बॉक्स के अंदर से निकाल लिया है बाहर। अभी इसको यहां से भी मैं निकाल लेता हूं। ये भी जो है बहुत ही ज्यादा भारी भरकम है, क्योंकि ये भी 2-in-1 है। ये डायनासोर से एक रोबोट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऊपर की तरफ रॉकेट्स वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर दो रॉकेट बूस्टर्स भी मिल जाते हैं। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसके साथ क्या क्या मिलते हैं सारी चीजें दिखा देता हूँ। इसके साथ इस तरह का रिमोट मिल जाता है। रिमोट एक रोबोट के फेस की तरह इन लोगों ने दे रखा है। और यहाँ पर है इसका चार्जर। इन रॉकेट्स को इसके बूस्टर के अंदर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसका बैटरी कंपार्टमेंट है और ये पूरी तरीके से सील किया हुआ है। हम लोग इसको बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते यहाँ से, डायरेक्टली यहीं से हम लोगों को चार्ज करना पड़ता है इस डायनासोर को। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सही है। साइड बाय साइड रख के कंपेयर भी मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे साइज के मामले में अपना ब्रोंटासॉरस जो है इस डायनासोर से थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, पर दोनों की जो लेंथ है बिल्कुल उतनी ही दी गई है। दोस्तों, अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं इन दोनों के बीच में फाइट। देखते हैं आज की फाइट में कौन जीता है। लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले डायनोस्टॉर्म को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का स्विच है, मैंने इसको ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद ये इस तरह से चलने लगता है अपने आप ही। अभी इसका रोबोट मोड बटन मैं दबाने वाला हूँ, देखते हैं गाइस ये क्या कर पाता है। ओ भाई साहब, ये क्या चीज है यार। देखो ये खड़ा हो गया पूरी तरीके से और इसका यहाँ पर रोबोट का फेस है यार। ये रोबोट कम शैतान ज्यादा लग रहा है। इसके आईज देखो गाइस, कितने ज्यादा रेड दे रखे हैं लोगों ने। अच्छा, तो इसको हम लोग यहाँ से चला भी सकते हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट काफी अच्छे तरीके से चल रहा है। पर इसकी स्पीड जो है ना थोड़ी सी स्लो मेरे को लग रही है। तो रिमोट के अंदर राइट साइड में और कुछ बटन से अच्छा, तो ये स्लाइड करके चलने लगता है। अभी इसको वापस से डायनासोर बना देते हैं। बटन मैंने प्रेस कर दिया, अभी ये धीरे धीरे से नीचे की तरफ आने लगा है। अभी बन चुका है ट्राइसेराटॉप। काम करते हैं गाइस, इसको ये मोड में चला के देख लेते हैं। ये मोड में भी देखो यार, ये बहुत ही धीरे धीरे से चलने लग रहा है।
यहाँ पे अभी लाइट्स में बंद कर देता हूँ, अभी दिखाता हूँ इसके अंदर कितनी ढेर सारी लाइट्स वगैरह दे रखी है। इसके सींगों के अंदर देखो गाइस कितनी ज्यादा ब्राइट लाइट है, और रात में तो भाई साहब ये एकदम गजब का दिखाई दे रहा है। अभी मैं पीछे की तरफ भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो यार ऊपर बहुत सारी नियॉन लाइट्स दे रखी है। मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर 9 कलर्स दे रखे हैं। इसके अंदर एक यूनिक सेंसर भी दिया हुआ है, जैसे ही मैं इसके ऊपर इस तरह से हाथ रख रहा हूँ ये वापस से रोबोट मोड में भी आ रहा है गाइस। रोबोट तो ये बन चुका है, अभी लगाते हैं इसके अंदर रॉकेट्स। यहाँ पर हम लोग 5 रॉकेट्स लगा सकते हैं। शूट का बटन दबाते हैं, शूट दबा दिया, यार ये शूट ही नहीं कर पा रहा है। अच्छा तो ये पहले फॉरवर्ड आता होगा, इस तरह से टर्न भी हो रहा है, अभी देखते हैं शूट कर पाता है नहीं। अच्छा देखो गाइस अभी ये शूट कर रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट इसने 2 रॉकेट्स यहाँ पर फायर कर दिए, ज्यादा दूर तक ये फायर नहीं कर पा रहा है। अभी टच करते हैं टीरेक्स ब्रॉन्टासॉरस को, ये काफी ज्यादा डेंजरस दिख रहा है। अभी मैं इसको रोबोट बनाने वाला हूँ, यहाँ पर बटन मैं जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ अभी देखना गाइस इसका सर फटेगा और अंदर की तरफ से निकलेगा एक रोबोट का सर। क्या ही खतरनाक सीन है भाई, यहाँ पे देख सकते हो अभी ये बन चुका है पूरी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मर रोबोट। रोबोट बनने के बाद ये काफी अच्छी तरीके से चल रहा है, और इसकी कंट्रोलिंग भी जो है मेरे को काफी ज्यादा सही लगी, और ये थोड़ा सा फास्ट भी मेरे को लग रहा है। इसको वापस से टीरेक्स ब्रॉन्टासॉरस बना देते हैं, बटन दबाते ही देखो गाइस इसका जो सर है इस तरह से चिपक भी जाता है भाई साहब, है ना कमाल की चीज यार। इसकी जो स्पीड है ना अपने डायनोस्टॉर्म से ज्यादा ही मेरे को लगी, और इसकी कंट्रोलिंग भी जो है डायनोस्टॉर्म से बहुत अच्छी दी गई है। रॉकेट्स मैं आपको फायर करा के दिखा देता हूँ, बटन मैंने प्रेस कर दिया, इस तरह की साउंड आने लगती है इसके अंदर से, और फिर इस तरह से रॉकेट फायर होने लगते हैं। अभी दोनों के रॉकेट्स के पावर को टेस्ट करने वाला हूँ गाइस। मैं यहाँ पे देख सकते हो इतने ढेर सारे ग्लासेस जमा दिया हूँ। अभी पहले टेस्ट करेंगे डायनास्टॉर्म ट्राइसेराटॉप्स के रॉकेट्स को, देखते हैं गाइस कितने रॉकेट्स में ग्लासेस को यहाँ पे गिरा पाता है। एक रॉकेट मैंने फायर कर दिया, इसकी एमिंग काफी ज्यादा अच्छी दी गई है, बीच के ग्लास को यहाँ पे मैं टारगेट कर रहा हूँ दूसरे रॉकेट में, और सारे के सारे ग्लास यहाँ पर ढेर हो चुके हैं। इसकी जो पावर है मेरे को थोड़ी सी कम लगी, पर इसकी जो एमिंग है परफेक्ट तरीके से रॉकेट जाकर लगता है। अभी टेस्ट करते हैं टीरेक्स ब्रॉन्टासॉरस को रॉकेट को, देखते हैं गाइस ये कितने रॉकेट्स में गिरा पाता है ग्लासेस को। इसने दोनों रॉकेट्स को एक साथ यहाँ पे फायर कर दिया है, और सारे के सारे ग्लासेस यहाँ पर ढेर हो चुके हैं। पावर के मामले में दोनों के बीच में यहाँ पर टाई हो चुका है। अभी दोनों की होगी आमने सामने वाली फाइट, पहले एक दूसरे के ऊपर रॉकेट फायर करा के देखते हैं। यहाँ पे टीरेक्स ने रॉकेट फायर कर दिया है अपने ट्राइसेराटॉप्स को, कुछ हुआ ही नहीं। अभी ट्राइसेराटॉप्स टीरेक्स के ऊपर रॉकेट फायर कर रहा है, और इसको भी कुछ यहाँ पर हुआ नहीं गाइस। अभी यहाँ पर मैं दोनों को डायनासोर बनाकर फाइट कराने वाला हूँ, देखते हैं गाइस इस बार कौन जीता। यहाँ पर टीरेक्स ने यार ट्राइसेराटॉप्स का सींग पकड़ लिया है, और ये ट्राइसेराटॉप्स रोबोट बनने की कोशिश कर रहा था, पर टीरेक्स ने भाई साहब इसको नीचे पटक दिया। अभी यहाँ पर मैं दोनों को रोबोट बनाने वाला हूँ, देखते हैं रोबोट बनने के बाद दोनों में से कौन जीता। ऑलमोस्ट दोनों रोबोट यहाँ पे बन चुके हैं। टीरेक्स पूरी कोशिश कर रहा है ट्राइसेराटॉप्स को पीछे ढकेलने के लिए, और ट्राइसेराटॉप्स यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ओ माय गॉड, वापस ने यहाँ पर टीरेक्स जीत चुका है गाइस। ट्राइसेराटॉप्स को पीछे की तरफ धक्का मारकर इसने गिरा दिया है पूरी तरीके से। अभी यहाँ पे दोनों डायनासोर्स का वेट पुल टेस्ट मैं करने वाला हूँ, पहले तो ट्राइसेराटॉप्स को टेस्ट करूंगा। पीछे इसके मैंने एक ऑडी भारी भरकम कार बांध दी है, देखते हैं इतना ज्यादा वेट या पुल करके लेके जा पाता है या नहीं। यहाँ पर बहुत धीरे धीरे से ये खींच के लेके जा रहा है, सेम कार मैंने बांध दिया है इसके पीछे। तो ये जो टीरेक्स है ना यार थोड़ा सा पावरफुल मेरे को लग रहा है, देखो यार कार को ये बहुत ही आसानी से घसीट के लेके जा रहा है। तो यहाँ पर वापस से टीरेक्स ब्रॉन्टासॉरस जीत चुका है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन दोनों डायनासोर में से कौन सा डायनासोर पसंद है। चलो गाइस अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है हर्ष, कुलदीप, शोभित, प्रकाश, ऋषि, अजय, दीपेश, वसीम, जयवीर, साहिल। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।